एक ऐसी मछली जो बिना पेट के जिंदा रहती है, और इंटरेस्टिंग चीज क्या है? और क्या आपने कभी सोचा है कि रिसर्चर कैसे पता कर लेते हैं कि लाश कितने दिन या कितने करोड़ों साल पुरानी है? और क्या आपने कभी गौर किया है कि प्लेन के पायलट दाढ़ी नहीं रखते? तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए बने रहिए ये वीडियो के लास्ट तक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। नंबर 13, फोर्ब ने कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें एक बात सामने आई। देखो, गोल्ड फिश नाम की एक मछली होती है जिसके पास अपना कोई भी स्टमच यानी पेट नहीं होता, लेकिन नॉर्मली इंसानों के साथ साथ बाकी सभी जानवरों के पास पेट होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन गोल्ड फिश के पास कोई भी पेट नहीं है। तो ये था गोल्ड फिश डोंट हैव एनी स्टमच। नंबर 12, सबसे पहले तो आप इस इंटरेस्टिंग इमेज को देखो। इस मैप में आपको कुछ येलो डॉट नजर आ रहा है और आप ये सोच रहे होंगे कि क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये रियल टाइम एरोप्लेन फ्लाइट है जो कि इस समय आकाश में उड़ रहे हैं, मतलब करोड़ों लोग अभी धरती को छोड़कर आकाश में हैं। नंबर 11, आपने कभी ना कभी ये इमेजिन तो किया होगा इस सालों पुरानी लाश को साइंटिस्ट कैसे पता कर लेते कि लाश कितनी पुरानी है, इसका डेट कब हुआ है? ये कई सारे इंटरव्यू और मैगजीन से पता चला है कि 100 पर पाए जाने वाले कीड़ों के मकोड़ों से पता चलता है कि मौत कितने साल पहले हुई है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर इसकी गहराई से जाँच करके मौत के कारणों का भी पता लगाते हैं। क्या आप इसके बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 10, सबसे पहले तो आप इस इमेज को देखिए और बताओ कि ये क्या चीज है। आपको लग रहा होगा कि ये घास वगैरह की इमेज है, लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये कोई घास की इमेज नहीं बल्कि हमारे आईब्रो की इमेज है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं, जिसे माइक्रोस्कोप से कैप्चर किया गया है जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नंबर 9, जैसे कि आप भी जानते हो आइसलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत कंट्रीज में से एक है, लेकिन इस देश की सबसे खास बात यह है कि जब भी कोई लड़का वहाँ की कोई लड़की से शादी करता है तो वहाँ 3 लाख प्रति महीने के वेतन के साथ नौकरी के साथ सिटीजनशिप मुफ्त में दी जाती है, ऐसा वहाँ का रूल है। नंबर 8, आप जो अपने घरों में चम्मच इस्तेमाल करते हैं, क्या आप ये जानते हैं इसके पीछे की कहानी की इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो बात अगर चम्मच के आविष्कार की करें तो इसे मिस प्रजाति में इन्वेंट किया गया था। वहाँ पर लकड़ी, स्लेट, पत्थर आदि हाथ के दांत के अलावा भी कई तरह की हुई धातु का चम्मच बनाया जाता था। धनवान लोग सोने चांदी और तांबा का इस्तेमाल करते थे, और जैसे जैसे टाइम बदला इंडिया में भी आया और ये ट्रेडिशन बन गया। नंबर 7, आपने देखा हुआ है और फील किया है कि जब लोग गुस्से में होते हैं तो उनके मुंह से गालियां निकलती हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया और गालियां देने के बाद उस इंसान के मन में एक अलग से सुकून महसूस होती है, और उसी सुकून को साइंटिस्ट और रिसर्चर लासो चीजिया कहते हैं। नंबर 6, आप ये मानोगे नहीं, स्पेन में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे बेबी फेस्टिवल जंपिंग कहा जाता है। इस फेस्टिवल की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जब इस फेस्टिवल में नवजात बच्चे की माँ उन्हें जमीन पर कुछ इस तरीके से लिटा देती है और शैतान के रूप में तैयार पुरुष बच्चे के ऊपर से कूदते हैं। उनका ऐसा मानना है कि नवजात बच्चे को ऐसा करके शैतानी शक्ति से बचाया जाता है। भूत प्रेत की ये चीज इंडिया को छोड़कर बाकी देशों में भी काफी हद तक देखने मिलता है। नंबर 5, दुनिया के सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में शायद ही कोई नहीं जानता होगा, लेकिन बुर्ज खलीफा इतना बड़ा है कि आप इसे 95 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। इसकी ऊपरी चोटी पड़ोसी देश ईरान से भी दिखता है। बुर्ज खलीफा की बात करें तो इसमें 163 मंजिला है जिसमें 58 लिफ्ट के साथ साथ 2957 पार्किंग स्पेस और 304 होटल और 900 अपार्टमेंट हैं। यह सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इसमें यूज होने वाले एसी में इतना पानी खर्च हो जाता है जिसमें 5 स्विमिंग पूल इजिली भरे जा सकते हैं। नंबर 4, आइसलैंड में एक एलिफेंट रॉक है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये नेचुरल वोल्केनो से फॉर्मेट हुआ है, और इसकी ये इमेज आप यहाँ देख सकते हो, यह बिल्कुल किसी रियल एलिफेंट के जैसा दिख रहा है जो कि अपने ट्रंक को पानी में रखा हुआ है। नंबर 3, आपने 1 से 10 साल पुरानी मैन्युफैक्चर शराब की बोतल देखी होगी, लेकिन आपने दुनिया की सबसे पुरानी बोतल को देखा है तो मिली दुनिया की सबसे पुरानी बोतल जो कि एक रोमन कब्र में पाई गई थी। यह लगभग 1650 साल से अधिक पुरानी है, तो क्या आप इसे टेस्ट करना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2, हमारा हार्ट यानी दिल को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमारा दिल हमारे शरीर से अलग होने के बाद भी तब तक धड़कता है जब तक उसे नॉर्मली ऑक्सीजन मिलती रहे, और इसी चीज का डॉक्टर कभी कभी फायदा भी उठाते हैं। वो क्या करते हैं, मरने के बाद भी मरीज को दिल को धड़काते रहते हैं ताकि ज्यादा पैसे लूटा जा सके। नंबर 1, आपने जिंदगी में कभी न कभी प्लेन पायलट को जरूर देखा होगा, और आपने गौर किया होगा कि जहाँ ट्रेन पायलट और बाकी सभी पायलट को दाढ़ी रखना अलाउ होता है, लेकिन प्लेन पायलट को क्यों नहीं? तो आप ये जान लो, ज्यादा एयरलाइंस में मूछें अलाउ तो होती हैं, और मूछें भी छोटी मोटी, ना कि टर्मीर जैसी। ये रोक टोक करने के पीछे खास वजह भी है, खुदा ना खास्ता अगर प्लेन में कोई प्रॉब्लम या इमरजेंसी हो जाए तो उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाने में कोई दिक्कत ना हो। दाढ़ी की वजह से ऑक्सीजन मास्क फिट नहीं हुआ तो जान भी जा सकती है। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे फैक्ट्स आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आप इस वीडियो को देखने के पहले इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानते थे? अगर नहीं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट आप मिस न कर दें।